हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भारत चौधरी और आज हम बात करने जा रहे हैं उस गेम के बारे में जो 2017 का पूरी दुनिया के लिए विनर गेम है। उसका नाम है द लीगेंड ऑफ जेल्डा बर्थ ऑफ द वाइल्ड। तो आज हम इसी गेम के बारे में बात करेंगे कि इस गेम में ऐसा क्या है जो ये 2017 का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला विनर गेम बन गया। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, आप ये वीडियो देखते रहिए। हाँ तो दोस्तों, द लीगेंड ऑफ जेल्डा बर्थ ऑफ द वाइल्ड गेम को बनाया है निंटेंडो गेम्स ने। उसे पब्लिश भी निंटेंडो गेम्स ने किया है, मगर मैं आपको बता दूं यह गेम सिर्फ दो ही प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, निंटेंडो स्विच और WIIU गेमिंग कंसोल के लिए। यह गेम वो किसी भी कंसोल के लिए और पीसी के लिए उपलब्ध नहीं है, इसीलिए यह गेम दो ही कंसोल्स के लिए उपलब्ध है। तो अगर आप इसे खेलना चाहते हैं तो आपको ये इन दोनों में से एक कंसोल आपके पास होना जरूरी है। मैं आपको अगर ये दो कंसोल है तो आपको ये गेम रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि यह एक बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स के साथ खेला जाने वाला ओपन वर्ल्ड गेम है। इस गेम के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। इसके अंदर आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं, इसके अंदर आप हिल पहाड़ के ऊपर जाकर वहाँ से जंप कर सकते हैं, इसके अंदर आप रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि यह एक ओपन वर्ल्ड एक्शन एडवेंचर गेम है, सर्वाइवल एक्शन एडवेंचर गेम है। यह गेम इसी साल 3 मार्च 2017 को रिलीज हुआ था और यह गेम सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले गेम में दो हैं गेम 2017 का विनर गेम, सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है यह गेम। और हम बात करेंगे इस कॉम्पिटिशन में विन 2017 के सबसे बेस्ट गेम कॉम्पिटिशन में कौन कौन से गेम थे। इसके अंदर एक प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड जो आजकल बहुत ही फेमस गेम है, वह भी इस राउंड में था, मगर वह भी इस कॉम्पिटिशन को नहीं जीत पाया, मगर यह इस कॉम्पिटिशन जीत गया, क्योंकि इस गेम की ग्राफिक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि आप इसे निंटेंडो स्विच में खेल सकते हैं और WIIU गेमिंग कंसोल में ही खेल सकते हैं, और किसी भी कंसोल में आप इस गेम को नहीं खेल सकते। तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास ये दो कंसोल है तो आपको ये गेम खरीदना चाहिए, और आपके पास ये कंसोल नहीं है तो आपको बेफालतू की फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह गेम जल्दी PS4, Xbox और PC के लिए भी आने वाला है। कंपनी ने इसका कोई खुलासा नहीं किया है, मगर कुछ लीक्स निकल कर सामने आए हैं जिनके मुताबिक यह गेम इस साल नहीं मगर अगले साल इन तीनों ही प्लेटफॉर्म के लिए आ जाएगा, आप इसे तब खरीद सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो लेकर आते रहते हैं। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।